हेलो स्टूडेंट्स, आई एस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज अबाउट द इन्वर्टेड फॉर्म, यूज ऑफ इन्वर्टेड फॉर्म. ठीक है, वी कॉल इट इन्वर्जन या हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये इन्वर्टेड फॉर्म होती है. ठीक है, समझने वाली बात है कि इन्वर्टेड फॉर्म किसकी, ये होती है इन्वर्टेड फॉर्म वर्ब की. वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म को इन्वर्जन कहते हैं. कब यूज करते हैं, क्या होती है इन्वर्टेड फॉर्म, ये सारे बेसिक्स हम समझ लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि जो वर्ड है ना इन्वर्जन, ये एक वर्ड होता है इन्वर्स, उससे बनता है. ठीक है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है दैट इज इनसाइड आउट और अपसाइड डाउन, उल्टा, रिवर्स. इनवर्स का मतलब क्या, रिवर्सल. ठीक है, इनसाइड आउट, इनसाइड को आउट कर दिया. ठीक है, अपसाइड डाउन, अपसाइड को नीचे ले आए. तो ये जो इनसाइड आउट अपसाइड डाउन होता है ना, यही होता है इनवर्स. इनवर्स का मतलब होता है उल्टा. ठीक है, तो इन्वर्जन जो होती है वो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम इनसाइड आउट यूज करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल से देखो, समझते हैं. जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, ही हैज गॉन, और एक हमने लिखा हैज ही गॉन. तो ये दो सेंटेंसेस हैं. अब देखें, हम इन दोनों सेंटेंसेस में हमने सेम वर्ड्स का यूज़ किया है. यहाँ पर भी वही वर्ड्स हैं, यहाँ भी वही वर्ड्स हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो हमने फुल स्टॉप यूज़ किया. ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया. तो हम देख रहे हैं कि सेम वर्ड्स हैं लेकिन उसके बावजूद एक सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है, एक सेंटेंस हमारा असर्टिव है. तो ये जो सेंटेंस है, ही हैज़ गॉन, ये स्टेटमेंट है. मतलब हम किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं. तो ये सेंटेंस है असर्टिव. असर्ट का मतलब कुछ कहना, बोलना. ठीक है, हैज ही गॉन जो हमने लिखा है, ये सेंटेंस में वर्ड सेम है लेकिन ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर रखा है. क्वेश्चंस जो होते हैं ये इंटरोगेटिव होते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, अब देखिए, जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है वो पोजिशन ऑफ वर्ब होता है. जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है. यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और फिर मेन वर्ब है. तो इसको हम इंटरोगेटिव फॉर्म कह रहे हैं. इंटरोगेटिव फॉर्म इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये क्वेश्चन है. ठीक है, इसको हम असर्टिव फॉर्म कहेंगे. तो ये हैज ही गॉन जो है ये वर्ब के इंटरोगेटिव फॉर्म है और ये असर्टिव फॉर्म है. अभी हम इसको इंटरोगेटिव फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिखा गया स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन है. लेकिन अगर इसी को हम किसी ऐसे सेंटेंस में यूज करें जो कि असर्टिव ना हो, इंटरोगेटिव ना हो, जैसे कि अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं, हार्डली हैड ही गॉन आउट When it began to rain. तो अगर हम देखें तो ये सेंटेंस तो हमारा है असर्टिव क्योंकि हमने फुल स्टॉप यूज किया, क्वेश्चन मार्क तो यूज नहीं किया. सेंटेंस असर्टिव है लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है ही, हमने हेल्पिंग वर्ब को उससे पहले लिखकर यूज किया और मेन वर्ब को बाद में यूज कर रहे हैं. तो जो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब को बाद में लिख रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए. लेकिन फिर भी हमें पता है ये सेंटेंस क्वेश्चन तो है नहीं, ये सेंटेंस तो हमारा असर्टिव है. तो अगर हम असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं तो हम इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म तो कह नहीं सकते कि ये वर्ब की इंट्रोगेटिव फॉर्म है. हम इसे कहेंगे इन्वर्टेड फॉर्म. तो ये इन्वर्टेड फॉर्म है वर्ब की, ये इंटरोगेटिव फॉर्म है वर्ब की और ये असर्टिव फॉर्म है वर्ब की. तो यहाँ पे हमें समझ सकते हैं कि जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते बोलते हैं तो उसमें लिखी गई जो वर्ब्स होती हैं वो असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं. असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में प्रेडिकेट. ठीक है, प्रेडिकेट में मेन वर्ड क्या होता है, वर्ब. मेन वर्ड जो होता है प्रेडिकेट का वो वर्ब होता है. वर्ब के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह भी हो सकती हैं. तो वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जो भी है वो सब सब्जेक्ट के बाद में. तो इस तरीके की वर्ब की फॉर्म्स को हम कहते हैं असर्टिव फॉर्म.
लेकिन जब हमें कभी क्वेश्चन पूछना होता है, इंटरोगेट करना होता है, तो जो हम सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर यूज़ करते हैं उसमें हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और हम इस वर्ब की फॉर्म को इंटरोगेटिव फॉर्म कहते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा कि ऐसा भी होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल। तो हम इसी वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म कहते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब इनसाइड आउट, कि जो इनसाइड होना चाहिए था हेड को सब्जेक्ट के बाद में, वो हमने पहले लिख दिया, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, इसको हम कहते हैं इंटरोगेशन। ठीक है, सीधे शब्दों में हम कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव फॉर्म और इन्वर्टेड फॉर्म वर्ब की सेम फॉर्म होती हैं। डिफरेंस ये होता है कि जब हम क्वेश्चंस में उसे यूज़ करते हैं तो इंट्रोगेटिव फॉर्म कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इन्वर्टेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आज जो हमें यहाँ पर समझना है वो इन्वर्टेड फॉर्म के यूजेज और इसके बेसिक्स डिस्कस करने हैं कि क्या होती है इन्वर्टेड फॉर्म। ये हमने सीख ही लिया, इन्वर्टेड फॉर्म वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम उसको इनसाइड आउट यूज़ करते हैं, मतलब जो हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद में होनी चाहिए थी उसको हम पहले लिखकर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड फॉर्म है इसके बेसिक्स आज हमें डिस्कस करने हैं। ओके, फिर से समझ लीजिए, स्टेटमेंट्स में लिखी गई जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जो असर्टिव सेंटेंस में लिखी जाती हैं, वो वर्ब की असर्टिव फॉर्म होती हैं। लेकिन जब हम कोई सेंटेंस क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चंस में हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है और वो वर्ब की फॉर्म इंट्रोगेटिव फॉर्म होती है। ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्म जिन क्वेश्चंस में यूज होती है वो हमारे सेंटेंस वो क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अगर हम कभी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख कर यूज़ करें किसी ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन ना हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो वो वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। तो इन्वर्टेड फॉर्म एक ऐसा यूज़ होता है सेंटेंस का जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखकर यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। कब कब ऐसा होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, वो सारी बातें आज की क्लास में हमें सीखनी समझनी है। लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली इन्वर्टेड फॉर्म होती है सेंटेंस में, ठीक है, वो तो यही होती है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखें। बट देयर इज स्टिल वन मोर इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म जो होती है ना, वो एक ऐसी भी होती है जिसमें हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइप इन्वर्टेड फॉर्म। फर्स्ट टाइप की इन्वर्टेड फॉर्म्स जो होती हैं ये वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन शो करती हैं, वर्ब एंड सब्जेक्ट का इन्वर्जन शो करती हैं। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट की इन्वर्टेड फॉर्म्स होती हैं। इनको हम मेनली देखो किसके साथ में यूज़ करते हैं, जो वर्ब और सब्जेक्ट की इन्वर्टेड फॉर्म्स होती हैं जिनमें हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखकर यूज़ करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब को। इन्हें मेनली एक तो हम यूज़ करते हैं तब जब हमें एडवर्ब ऑफ प्लेसेस लिखने हो, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ में इनका यूज किया जाता है। जैसे कि अक्रॉस द रिवर वॉज सीन सम पीपल। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, अक्रॉस द रिवर वॉज सीन सम पीपल। अब यहां पे ध्यान से समझना, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, द रिवर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जब हम प्रीपोजिशन के साथ में उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है। ये फिलहाल में एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज इसलिए है क्योंकि वेयर का रिप्लाई है। वेयर के रिप्लाई जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई के रिप्लाई जो होते हैं वर्ड्स, वो एडवर्ब होते हैं। तो हमने लिखा अक्रॉस द रिवर वेयर, तो वेयर का रिप्लाई गया अक्रॉस द रिवर, तो एडवर्ब फ्रेज हो गई। अब हमें पता है कि जो रिवर नाउन है वो अक्रॉस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये अक्रॉस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? वर्ब का सब्जेक्ट होगा ये सम पीपल। तो ये जो सम पीपल है ना, हमारी वर्ब का सब्जेक्ट है। अगर ये वर्ब का सब्जेक्ट है तो जो वर्ब हम लिख रहे हैं वॉज सीन, ये हमें पैसिव प्लुरल फॉर्म में लिखनी चाहिए क्योंकि पीपल प्लुरल है, तो ये आ जाएगा वर्ब। तो हमें ये सेंटेंस ऐसा लिखना पड़ेगा, अक्रॉस द रिवर वॉज सीन सम पीपल। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होते हैं, अगर हम किसी फ्रेज को एडवर्ब ऑफ प्लेस के तरीके से यूज करें सेंटेंस के शुरू में लिखकर स्ट्रेस करने के लिए, तो हमें उसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म वर्ब की लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइप की इन्वर्टेड फॉर्म, जो सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन शो करती है, उसमें क्या होता है कि वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाती है। अब हम देख रहे हैं वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, दोनों को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, तो ये हमारे फर्स्ट टाइप की इन्वर्टेड फॉर्म हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने एक सेंटेंस लिखा, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल इज लाइंग सम डायरीज।
एक ए लिख दिया, एक और लिख देते हैं अमंग द डायरीज आर लाइंग अ बॉल पेन। अब इसमें देखिए ये अंडर प्रीपोजिशन है, अमंग भी प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टेबल, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डायरीज। अब हमें पता है ये जो वर्ड्स हमने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख दिए ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया फिर वो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो हम वर्ब लिख रहे हैं इज लाइंग और आर लाइंग, इन वर्ब के सब्जेक्ट टेबल और डायरीज तो होने नहीं है, तो फिर इनका सब्जेक्ट कौन होना है, इनका सब्जेक्ट होना है इनको, ठीक है। अब ये सम डायरीज जो है ना ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेबल और डायरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरीज एंड बॉल पेन। इस सेंटेंस में हम टेबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरीज। इस सेंटेंस में हम डायरीज के बारे में बात नहीं कर रहे, बॉल पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बॉल पेन हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर लिख दो इज, डायरी सब्जेक्ट है तो यहां पे आर लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि जो एडवर्ब प्लेस होते हैं अगर हम इनको सेंटेंस के शुरू में लिख दें तो हमें इनके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ती है। फर्स्ट टाइप की इन्वर्टेड फॉर्म वो होती है जो सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन शो करती है, जिसमें हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अंडर प्रीपोजिशन है, द टेबल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये मिलकर वेयर का रिप्लाई बन गया एडवर्ब प्लेस, ठीक है। उसके बाद में अमंग प्रिपरेशन है, द डायरीज प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है और ये मिलके हमारे एडवर्ब प्लेस। अब जिस तरीके से हमने इनके साथ में ये इन्वर्टेड फॉर्म का यूज किया है उसी तरीके से एक दो वर्ड्स और होते हैं जिनके साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा फोर्थ सेंटेंस, हियर द मैन इज। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा हियर द मैन इज, अब हम देख रहे हैं जो हियर है ये भी हमारा एडवर्ब प्लेस है हियर, तो ये एडवर्ब प्लेस अगर हम इसको शुरू में लिख रहे हैं तो हमें इसके साथ भी इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब इन्वर्टेड फॉर्म में ये जो सब्जेक्ट है मैन और इज है वर्ब, तो हमें इस वर्ब को इससे पहले लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप के इन्वर्जन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब उससे पहले लिखनी पड़ती है, वो सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे हियर इज द मैन। इसी तरीके से देयर गोज द बस, हमने देखा बस जा रही है सो देयर गोज द बस, तो ये गोज हमारी वर्ब हो गई, द बस सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक तो ये कि जो हियर और देयर है ये हमारे एडवर्ब्स हैं, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकते, ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स बन नहीं सकते। दूसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करें। वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन द बस, जो हम बात कर रहे हैं वो मैन और बस को लेकर कर रहे हैं, तो मैन और बस हमारे सब्जेक्ट हैं, तो अगर वो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब हमें उनके अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। तो बस के अकॉर्डिंग गोज आ गया और मैन के अकॉर्डिंग इज आ गया, ठीक है। अब अगर हम हियर और देयर को देखें तो इससे पहले जो हमने एडवर्ब प्रेजर लिखी थी, जैसे हमने लिखा अंडर द टेबल, ठीक है, तो अंडर प्रिपरेशन हो गई, द टेबल इज प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हियर होता है ये भी वही होता है एट दिस प्लेस, देयर का मतलब भी वही होता है एट दैट प्लेस, तो ये एट प्रिपोजिशन हो गई, दिस प्लेस दैट प्लेस इन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मिलकर एडवर्ब बन गए, इनका मीनिंग हेयर देयर होता है। तो जैसे हम बाकी एडवर्ब फ्रेजेस के साथ में प्रिपोजिशन लिख रहे थे, इन्वर्टेड फॉर्म लिख रहे थे, वैसे हेयर देयर के साथ भी लिखो, हेयर और देयर भी हमारे एडवर्ब्स ही होते हैं। तो ये जो हियर और देयर होते हैं ना, हम इन्हें कह देते हैं इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, कि किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखे गए। अच्छा, क्यों ये इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखे गए, देखो इसे भी हम समझ लेते हैं। सपोज हमें एक सेंटेंस लिखना है, वी हैव टू से समथिंग इन इंग्लिश, एक राजा था। अब सपोज ये सेंटेंस है एक राजा था और हम चाहते हैं इसको हम इंग्लिश में लिखें या बोलें, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, लिटरल ट्रांसलेशन कर दें इसका, अ किंग वॉज, तो हमें पता है ये गलत हो जाएगा। अ किंग वॉज जो है ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम वॉज को वर्ब मान लें तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी नहीं, ठीक है। लिंकिंग वॉज सॉरी बिना कॉम्प्लीमेंट के नहीं आएंगी। अगर हम वॉज को वर्ब मान लें तो बी की फॉर्म्स जो इज एम आर होती हैं ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट से लिखी जाती हैं।
अगर कोई कॉम्प्लीमेंट ना हो तो लिंकिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, तो इसलिए भी गलत। अगर हम इसे हेल्पिंग वर्ब मान लें कि वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं यूज होती, ऑक्सिलरीज बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज मेन वर्ब के यूज तो होती नहीं, तो ये गलत रहेगा। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। अब होगा क्या, एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा किंग है, देयर नहीं है, किंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो देयर है ना, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट कहेंगे हम इसे, हम इसे कहेंगे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। तो जो हेयर और देयर हैं, वैसे तो ये एट दिस प्लेस एट दैट प्लेस का मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इनको तब भी यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू इंट्रोड्यूस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो जो हेयर और देयर है, देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है, और इसको हम यूज कर लेते हैं किसी चीज के एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो देयर होता है ना, हमारा वर्चुअल सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। रियल सब्जेक्ट वही होता है जो वर्ब के बाद में लिखा होता है, इसलिए क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये जो सेंटेंस हमने लिखा देयर वॉज अ किंग, हमें इसमें पता है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट किंग, तो हम किंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो किंग हमारा सब्जेक्ट है। तो जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं ना, ये हम किंग के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट देयर के अकॉर्डिंग। देयर के अकॉर्डिंग एक तो इसलिए नहीं यूज कर सकते वर्ब क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, और दूसरा इसलिए भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि देयर एडवर्ब होता है, और हमें पता है कि जो सिंगुलर प्लुरल होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, एडवर्ब्स में सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो जो देयर है हमारा, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। ये बात अच्छे से हमें तब समझ में आएगी अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख दें कि राजा एक नहीं थे, दो थे, देयर वर टू किंग्स। तो हम देख रहे हैं कि जब हम देयर वर टू किंग्स लिखेंगे तो देयर तो अभी भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब तो चेंज हो गई। वर्ब इसलिए चेंज हो गई क्योंकि वो रियल सब्जेक्ट नहीं था, वो वर्चुअल सब्जेक्ट था। रियल सब्जेक्ट किंग है, किंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे किंग्स हो गया प्लुरल तो वर आ गया, यहाँ पे सिंगुलर था तो वॉज आ गया। तो हमें ये समझना है कि जो ये हेयर देयर हम यूज करते हैं, ये एक्चुअल में हमारे एडवर्ब्स होते हैं, इनका अपना कोई नंबर नहीं होता सिंगुलर प्लुरल, तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ सकती। वर्ब हमेशा उस नाउन के अकॉर्डिंग आती है जो हमने वर्ब के बाद लिखा है। अब एक क्वेश्चन देखिए, किसी पेपर में आया काफी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन but there hasn't always been schools। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें पता है कि ये जो हमने क्वेश्चन यहां पे लिख दिया किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया क्वेश्चन है, और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ये but there hasn't always been हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, there has always been some form of education मेन क्लॉज है। अब हम देख रहे हैं कि मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट हमने देयर यूज किया और कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी देयर यूज किया, लेकिन देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट तो होता नहीं, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी नहीं। वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग जो हमने वर्ब के बाद नाउन लिखा है, हमने वर्ब के बाद लिखा सम फॉर्म। अब सम फॉर्म तो सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब हमने लिखी हैज़ ये सही है, लेकिन यहाँ पर तो हमने वर्ब के बाद में लिखा है स्कूल्स, ये तो प्लुरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब हमने लिखी हैज़न्ट ऑलवेज ये गलत है, हैवन्ट लिखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं स्कूल्स जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, लेकिन दोनों को ही हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइप का इन्वर्जन है, ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होते हैं उनके साथ में हमें फर्स्ट टाइप का इन्वर्जन यूज करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे एक सिचुएशन और भी हमें ध्यान रखने वाली है कि जो इन्वर्टेड फॉर्म्स का हम यूज करते हैं, ये मेनली हमारे मतलब भाषा को मतलब अलंकृत करने के लिए या ऑर्नामेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। इनके थ्रू हम अपने लैंग्वेज में स्पेशल इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एम्फेसिस, इफेक्ट ऑफ एम्फेसिस मतलब हमें किसी चीज को एम्फेसिस करना है, फोर्स करना है, स्ट्रेस करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हमने जैसे लिखा देयर हियर द मैन इज, ठीक है, मैं इसको एक बार सही करके ऐसे लिख देता हूँ, हियर इज द मैन, हियर अ मैन, ये सही है। लेकिन अगर हम कभी प्रोनाउन का यूज करें, जैसे हम लिख दें हियर शी इज, तो हमें वो असर्टिव फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब जैसे हमने लिखा हियर शी इज, तो ये हमारी असर्टिव फॉर्म है। तो ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस के साथ में असर्टिव फॉर्म का यूज करना, नाउंस के साथ में इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करना। तो हियर शी इज जो है ना, ये असर्टिव फॉर्म है वर्ब की, हियर इज द मैन जो है इन्वर्टेड फॉर्म है। होता क्या है कि जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमें पता है कि प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं वो हम तब यूज करते हैं जब पहले से हमें नाउन नोन हो,
मतलब नाउन नोन होगा तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा, किसी अननोन पर्सन के लिए, किसी सरप्राइजिंग थिंग के लिए प्रोनाउन तो यूज होते नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तभी यूज होते हैं जब हमें पहले से उनका रेफरेंस हो और हम उनके बारे में बात कर चुके हों। चूंकि हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब एम्फेसाइज तो कर नहीं रहोगे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सरप्राइज तो खत्म ही हो चुका है तभी प्रोनाउन आया, तो फिर हमें इन्वर्टेड फॉर्म नहीं उनके साथ में असर्टिव फॉर्म ही लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन हो, क्योंकि ये जो हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं ये फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस होती है कि किसी सरप्राइजिंग थिंग को, कोई हमने चीज़ नोटिस की है, ठीक है, और हम इस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं विद सरप्राइज, तो हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो गया, क्योंकि प्रोनाउन बाद में यूज़ होते हैं, पहले नाउन यूज़ होता है। तो अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका रेफरेंस ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही था और हमें पहले से ही पता है कि इसके बारे में बात हो रही है, तो फिर वहाँ पर सरप्राइज खत्म हो जाएगा, तो फिर असर्टिव फॉर्म का यूज़ करना। इसके बाद में जो फर्स्ट टाइप की इन्वर्टेड फॉर्म होती है सब्जेक्ट और वर्ब की, इसको एक जगह हम और भी यूज करते हैं। हम इसे यूज करते हैं डायरेक्ट कोटेशंस के साथ में, डायरेक्ट कोटेशंस के साथ में भी इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि एग्जांपल से समझना। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, I can solve these puzzles, ठीक है, I can solve these puzzles, said the man। अब देखो यहां पे, वो जो हमने said the man लिखा है ना, वो एक्चुअल में इन्वर्टेड फॉर्म है, क्योंकि वो जो मैन है वो सब्जेक्ट है, ये जो हमारी said verb है, मैन इसका सब्जेक्ट है, तो ये जो हमने लिखा ना ये भी इन्वर्टेड फॉर्म है। तो अगर हम जो हमारे डायरेक्ट नरेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को या कोटेशन को अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब से पहले मेंशन करें तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख देते हैं। हालांकि ये क्वाइट ऑप्शनल होता है, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं द मैन सेड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखें बाद में वर्ब लिखें, तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है कि हम द मैन साइड लिखें या द साइड द मैन लिखें, वो दोनों ही सही हैं, ये इन्वर्टेड फॉर्म है और ये हमारी असर्टिव फॉर्म है। तो जो डायरेक्ट कोटेशंस होते हैं उनमें जब हम कोटेशन को रिपोर्टिंग वर्ब से पहले मेंशन कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में या असर्टिव फॉर्म में, दोनों में से किसी में भी लिख लें। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का वो लेंथी स्ट्रक्चर होता है, तो उस केस में इन्वर्टेड फॉर्म नहीं है, असर्टिव फॉर्म में लिखें, उस केस में इन्वर्टेड फॉर्म ही लिखना। जैसे कि I can solve these puzzles. I can solve these puzzles. I can solve these puzzles. The man sitting in the corner. The man sitting in the corner said. अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो हमने लिखा ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई, कोटेशन हो गया, आई कैन सॉल्व दिस पजल्स, द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, द मैन सब्जेक्ट हो गया, सिटिंग पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, इन द कॉर्नर उस पार्टिसिपल की अपनी फ्रेज हो गई, डिस्क्रिप्शन उसका एडवर्ब हो गया, ठीक है, वे आर सिटिंग तो इन द कॉर्नर, तो ये मैन सब्जेक्ट हो गया नाउन, सेटिंग उसका एडजेक्टिव हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उस एडजेक्टिव का अपना एडवर्ब इन द कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से हमारी नाउन फ्रेज बन गई जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है सैड के लिए। अब हम देख रहे हैं कि जो सैड वर्ब है जिसका ये सब्जेक्ट है, उस सैड वर्ब का ये ऑब्जेक्ट या कोटेशन है, ये जो कोटेशंस होते हैं ना ये असल में उस सैड वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब वहाँ पर है, अगर हमारा सेंटेंस में यूज किया गया सब्जेक्ट लेंथी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इस तरीके से, तो उस केस में क्या किया करो, हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म लिखा करो। इन्वर्टेड फॉर्म का पर्पस ये होता है कि जो वर्ब है वो अपने ऑब्जेक्ट के पास रहे, सब्जेक्ट के तो पास वो इधर वे रहेगी, अगर उसको यहाँ लिखोगे वर्ब को तो भी वो सब्जेक्ट के पास रहेगी, वहाँ लिखोगे तब भी सब्जेक्ट के पास रहेगी, लेकिन यहाँ पर लिखने से वो ऑब्जेक्ट के पास में भी है, तो हम फिर उस केस में इन्वर्टेड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट कोटेशंस में रिपोर्टेड स्पीच को मतलब पहले लिख दें रिपोर्टिंग वर्ब से, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ता है, इस सिचुएशन में कंपलसरी होता है लिखना, इस तरीके की सिचुएशन में ऑप्शनल होता है कि हम उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखें या हम उसे इन्वर्टेड फॉर्म में ना लिखें। हालांकि वो प्रोनाउन वाली बात फिर से याद रखना, अगर प्रोनाउन लिखा है तो इन्वर्टेड फॉर्म नहीं लिखना,
अगर प्रोनाउन लिखा हो तो फिर इन्वर्टेड फॉर्म मत लिखना, जैसे कि देयर इज नो सच बर्ड, सेड दे। तो हम देख रहे हैं यहां पे हमने कोटेशन को पहले लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में यूज किया गया सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को पहले लिखो। प्रोनाउंस के साथ में हमेशा असर्टिव फॉर्म का ही यूज करना, प्रोनाउंस जो होते हैं उनके साथ में वर्ब हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। तो बजाय कि ये लिखने के देयर इज नो सच वर्ड सेड दे, इसको लिखिए देयर इज नो सच वर्ड दे सेड। तो प्रोनाउंस को असर्टिव फॉर्म में लिखना और बाकी तो अपना आपका क्या करना है वो हमने डिस्कस ही कर लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वर्जन, जिसमें हम वर्ब को सब्जेक्ट के साथ में इन्वर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन एक सेकेंड टाइप का इन्वर्जन भी होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी एंड सब्जेक्ट का इन्वर्जन, ऑक्सिलरीज एंड सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, उसको सब्जेक्ट के केस में इन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पहले लाके लिख दिया जाता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही यूज होती है। ऐसा कब यूज होता है? ऐसा एक तो यूज होता है तब जब हम नेगेटिव एडवर्ब्स का यूज करें, जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव एडवर्ब से मतलब क्या है अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, नेवर वी ब्लेम एनीवन अननेसेसरली, अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा नेवर वी ब्लेम एनीवन अननेसेसरली, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें जो नेवर हमने यूज किया ना, ये एडवर्ब है, ये नेवर जो होता है ये हमारा इन्वर्ट एडवर्ब होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं इनकी पोजिशन होती है मेन वर्ब से पहले। तो ये सेंटेंस हमने गलत कर लिया। अब इसको सही करने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको असर्टिव फॉर्म में लिख दें, ठीक है। असर्टिव फॉर्म में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेन वर्ब से पहले आएंगे, और हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें वी नेवर ब्लेम एनीवन अननेसेसरली। तो एक ऑप्शन तो ये कि हम इसको असर्टिव फॉर्म में लिखें वी नेवर ब्लेम एनीवन अननेसेसरली, वी सब्जेक्ट हो गया, ब्लेम वर्ब हो गई, एनीवन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले आएगा और ये सही हो गया, ठीक है। दूसरा हम इसको एक और तरीके से भी सही कर सकते हैं कि हम वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दें। अब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पे, चूंकि नेवर एडवर्ब ऑफ प्लेस तो है नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, निगेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें पता है कि जो निगेशन और इंट्रोगेशन होता है ये शो करना काम हेल्पिंग वर्ब्स का होता है, ठीक है। जो ऑक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनका मेन फंक्शन जो होता है टेंस को एक्सप्रेस करने के अलावा वो होता है निगेशन एंड इंट्रोगेशन। हम ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं निगेशन इंट्रोगेशन के लिए। तो जब हम नेगेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं तो वहां पे हमें फर्स्ट टाइप के इन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे सेकंड टाइप का इन्वर्जन ही हमारा काम कर देता है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं नॉट के साथ उन्हें लिखना पड़ता है, या नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, निगेशन शो करने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिख देंगे। अब ब्लेम फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, तो जो वी हमारा सब्जेक्ट है इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करके भी इसे सही कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे नेवर डू बी ब्लेम एनी वन अननेसेसरली, तो भी ये सेंटेंस हमारा सही जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना, अगर हम लिखें भी नेवर ब्लेम तो भी सही है, ये असर्टिव फॉर्म है वर्ब की। अगर हम लिखें नेवर डू बी ब्लेम तो ये भी सही है और ये इन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। इन्वर्टेड फॉर्म्स में जो एडवर्ब हम शुरू में लिखते हैं वो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें उन्हें स्ट्रेस करना होता है, तो स्ट्रेस करने के लिए हम उनको इन्वर्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। वी नेवर ब्लेम, हम कभी ब्लेम नहीं करते किसी को, और नेवर डू बी ब्लेम का मतलब कभी भी नहीं करते ब्लेम किसी को, तो इसका मतलब वी आर स्ट्रेसिंग दिस वर्ड नेवर, दैट्स वाई वी हैव यूज इट एट द बिगनिंग, यहाँ पे यूज किया। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं, हार्डली ही हैड रिटर्न होम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। अब जैसे हमने ये लिखा हार्डली ही हैड रिटर्न होम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, अब ये जो हार्डली होता है ये भी एडवर्ब ऑफ होता है,
ये भी नेगेटिव एडवर्ब होते हैं, नेगेशन शो करता है, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हार्डली जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिसको निगेट करना हो, अगर वर्ब को निगेट करना है तो वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा, तो ये हमने तो गलत जगह लिख रखा है। अब हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा वो होता है कि हम इसको चाहें तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिख के सही कर सकते हैं, ही हैड हार्डली रिटर्न्ड व्हेन, ही हैड हार्डली रिटर्न्ड होम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। ये या तो हम इसको ऐसे लिख दें असर्टिव फॉर्म में, ही सब्जेक्ट हो गया, हार्डली हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटर्न मेन वर्ब हो गई, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटर्न मेन वर्ब हो गई, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके बीच में आ गया, तो या तो हम इसको ऐसे सही करें या फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर असर्टिव फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख के सही कर लो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दो, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे हार्डली हैड ही रिटर्न होम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो जैसे नेवर है, हार्डली है, बेयरली है, स्केसली है, रेयरली है, रेयरली भी हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन ही होता है, ठीक है, रेयरली और नेवर का मीनिंग सेम होता है, तो दोनों ही एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमने और लिया थर्ड, नो सूनर हैड द मैच, नो सूनर द मैच हैड बिगन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए समझने वाली क्या बात है, ये जो सून होता है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, सून जो है, सून है, लेट है, अर्ली है, ये एडवर्ब है, और ये जो सूनर है ना इस एडवर्ब की कंपेरेटिव डिग्री है, ये जो हमारा सून एडवर्ब है सूनर उसी की कंपेरेटिव डिग्री है, उसके साथ हमने नो लिख दिया, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया नो सूनर। अब हम देख रहे हैं कि जो नो सूनर हमने लिखा है ये हमारा नेगेटिव एडवर्ब बन गया, सूनर एडवर्ब होता है कंपेरेटिव डिग्री का, नो लिख देने से नेगेटिव हो गया। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं, वेन का जो रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, वेयर का रिप्लाई होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, तो एडवर्ब और हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर, ये हमें वर्ब के बाद लिखने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार समझा दूं, हालांकि एडवर्ब के उसमें डिस्कस हो रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स टाइप्स में, फिर भी एक बार समझना, एडवर्ब्स जो होते हैं इसमें से जो एडवर्ब्स वेन को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जो एडवर्ब्स वेयर को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जो एडवर्ब्स हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ठीक है, जो एडवर्ब्स हाउ ऑफन को रिप्लाई करते हैं, ऑफन का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो एडवर्ब्स हाउ मच को या टू व्हाट एक्सटेंट को रिप्लाई करते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। तो इनमें से जो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम होते हैं ना ये वर्ब के बाद लिखे जाते हैं या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, मतलब वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में तो एडवर्ब नहीं लिखे जा सकते, तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो हम बाद में लिख देते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, ये वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिसको डिस्क्राइब करें, वर्ब को डिस्क्राइब करें तो वर्ब से पहले, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करें एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब को डिस्क्राइब करें तो एडवर्ब से पहले। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिग्री लिखे जाते हैं वर्ब से पहले, व्हेन, वेयर, हाउ को लिखा जाता है एडवर्ब के बाद। अभी जो नो सूनर है ना व्हेन का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें पता वर्ब के बाद यूज होते हैं, इनकी पोजीशन वर्ब के बाद होती है, तो या तो हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखें, असर्टिव फॉर्म में लिखें सेंटेंस को, हम ऐसे लिखें द मैच हैड बिगन, हैड बिगन हमारी वर्ब हो गई, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, तो उसके बाद में लिख दो द मैच हैड बिगन नो सूनर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो या तो हम ये असर्टिव फॉर्म लिखें द मैच हैड बिगन नो सूनर देन इट स्टार्टेड रेनिंग तो सही, नहीं तो अगर हम चाहते हैं कि नो सूनर यहीं पे लिखा रहे इन्वर्टेड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दो इन्वर्टेड फॉर्म में। तो हमारे पास इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो हम इन्वर्टेड फॉर्म लिखें, ठीक है,
नो सोनर हैड द मैच बिगन, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम असर्टिव फॉर्म यूज करें, द मैच हैड बिगन नो सोनर दैन। तो ये जो एडवर्स ऑफ निगेशन होते हैं, जैसे नो सूनर है, हार्डली है, बेयरली है, स्केसली है, रेयरली है, सेल्डम है, ठीक है, ये सारे एडवर्स निगेशन शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर हम इन्हें कभी स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस के शुरुआत में लिखकर यूज करें तो इनके साथ में वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का यूज किया करो। उस इन्वर्टेड फॉर्म में सेकेंड टाइप का इन्वर्जन यूज होता है ऑक्जिलरी और सब्जेक्ट का, मतलब हम ऑक्जिलरी और सब्जेक्ट की पोजिशन को इन्वर्ट कर देते हैं, जो ऑक्जिलरी सब्जेक्ट से बाद में आते हैं असर्टिव फॉर्म में वो पहले लिख दी जाती हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं इन्हीं क्वेश्चन को। अब हमने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, नॉट ओनली मोहन, मोहन कुछ और लिख लेगा, नॉट ओनली दे टेल लाइज, बट ऑल्सो चीट अदर्स। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, नॉट ओनली दे टेल लाइज बट ऑल्सो चीट अदर्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर हम ये देखें तो जो ओनली होता है ये एडवर्ब भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है, मतलब ओनली को हम अपने सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस में कहीं भी पोजिशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल से समझाऊं, हमने सपोज यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ओनली आई वॉन्ट टू मीट हिम वंस, जैसे हमने ये लिखा सेंटेंस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ओनली को हमने पोजिशन किया सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ओनली वॉन्ट टू मीट हिम वंस। यहां पर हमने इसको मेन वर्ब से पहले लिखा, चाहे तो हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब से भी पहले लिख सकते हैं, आई वॉन्ट ओनली टू मीट हिम वंस, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले नॉन ली को लिख दिया, हम चाहे तो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हिम उससे पहले भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट ओनली, आई वॉन्ट टू मीट ओनली हिम वंस। अब हमने ओनली को नॉन फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम से पहले लिख दिया है। इसी को अगर हम चाहें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा वंस है उसके साथ भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू मीट हिम ओनली वंस। मैंने एग्जाम्पल से जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हम ओनली को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेंटेंस में यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में किसी को भी रेफर कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे ओनली के थ्रू हम स्ट्रेस करना चाहते हैं आई को, यहाँ पर ओनली के थ्रू स्ट्रेस करना चाहते हैं वॉन्ट मेन वर्ब को, यहाँ पर ओनली के थ्रू हम स्ट्रेस करना चाहते हैं मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव को, ये जो इन्फिनिटिव है वो एक्चुअल में मेन वर्ब वॉन्ट का अपना ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में हम ओनली के थ्रू स्ट्रेस करना चाहते हैं इन्फिनिटिव के अपने ऑब्जेक्ट हिम को, और लास्ट सेंटेंस में हम ओनली के थ्रू स्ट्रेस करना चाहते हैं एडवर्ब वंस को। तो अब ये सारे सेंटेंस सही हैं, ऑल दीज सेंटेंसेज आर करेक्ट इन देयर मीनिंग्स, दो दे हैव गॉट डिफरेंट मीनिंग्स बट ऑल दीज आर करेक्ट। अब ये सारे ही सेंटेंस हमारे सही हैं, यहाँ पे ओनली आई को स्ट्रेस कर रहे, तो ओनली का मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मीनिंग को, ओनली लिखकर या जस्ट लिखकर हमने क्या किया, मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब हम स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात को कि केवल ये बात इसी के लिए वैलिड है, बाकियों के लिए नहीं। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ओनली आई वॉन्ट टू मीट हिम वंस, तो इसका मतलब हम इंडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं नो बडी एल्स एंड नो बडी एल्स वॉन्ट्स, कोई और नहीं चाहता केवल मैं चाहता हूँ। अगर हम ऐसे लिख दें आई ओनली वॉन्ट, तो इसका मतलब आई ओनली वॉन्ट एंड डू नथिंग, केवल मैं चाहता रहता हूँ, इसके अलावा कोई एफर्ट्स या प्रयास नहीं करता। अगर मैं लिख दूँ आई वॉन्ट ओनली टू मीट, तो इसका मतलब आई वॉन्ट जस्ट टू मीट एंड नथिंग एल्स, कि मैं केवल मिलना चाहता हूँ, कोई बात बात नहीं करना है, ठीक है, हेल्प भी नहीं करना। आई वॉन्ट टू मीट ओनली हिम, ओनली का मतलब हिम को स्ट्रेस कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई वॉन्ट टू मीट ओनली हिम एंड नोबडी एल्स, कि मैं केवल उसी को मिलना चाहता हूँ, किसी और को नहीं। और अगर मैं लिख दूँ आई वॉन्ट टू मीट हिम ओनली वंस, ओनली वंस का मतलब नॉट ट्वाइस और थ्राइस। अच्छा, होता है कि जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस में, अगर हम ओनली को उसके बाद में भी लिख दें तो भी मीनिंग सेम रहता है। ये फाइव सेंटेंसेस फाइव मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक सिक्स सेंटेंस लिख दें, एफ आई वॉन्ट टू मीट हिम वंस ओनली,
तो ये अगर हम ओनली लास्ट वर्ड के बाद लिखेंगे ना तो भी वो उसी को स्ट्रेस करेगा। तो मतलब ये जो लास्ट टू सेंटेंसेस हैं हमारे ई और एफ, इनके मीनिंग सेम है, ये कॉमन मीनिंग है। तो इसका मतलब सिक्स सेंटेंसेस हैं लेकिन मीनिंग अभी भी फाइव ही है। तो ओनली को अगर हम लास्ट वर्ड से पहले लिखें बाद में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी को स्ट्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये बातें हमें समझ में आ गई हो तो हमें ये समझना है कि ये जो ओनली वो हमने किसके लिए यूज़ किया। अब देखिए ओनली को हम दे को स्ट्रेस करने के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होते हैं ये हमारे को रिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स जोड़ते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से। ठीक है, हमने यहाँ पर नॉट ओनली को दे से पहले लिखा जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बट ऑल्सो भी सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए था, लेकिन हमने देखो बट ऑल्सो लिखा वर्ब से पहले। अब हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब दो हैं, सब्जेक्ट एक ही है, तो एक्चुअल में जो हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो दो डिफरेंट वर्ब्स हैं ना कि सब्जेक्ट। ठीक, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स कनेक्ट करने हैं, वर्ब्स कनेक्ट करनी है, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है दे। उस दे सब्जेक्ट के लिए वर्ब दो यूज़ हो रही हैं, एक टेल और एक चीट। तो हमारे पास सही करने का एक तरीका तो यही है कि असर्टिव फॉर्म लिख दो। असर्टिव फॉर्म में ओनली वर्ब को स्ट्रेस कर रहा है तो उससे पहले अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री होता हाउ मच का रिप्लाई रिस्ट्रिक्ट करता है मीनिंग को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दे नॉट ओनली टेल लाइज बट ऑल्सो चीट अदर्स। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो गया, नॉट ओनली जो है वो फर्स्ट वर्ब से पहले आ गया टेल के साथ, बट ऑल्सो जो वो सेकेंड वर्ब के साथ आ गया चीट के साथ, और उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, दे नॉट ओनली टेल लाइज बट ऑल्सो चीट अदर्स। तो ये सही हो गया। लेकिन इन केस मान लो ये क्वेश्चन हमारे आ जाए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या किसी ऐसे तरीके से आ जाए कि जहाँ पे हम उसका करेक्शन ये वाला ना कर पाएं। सपोज ये सेंटेंस है इसमें इस तरीके से पार्ट्स कर दिए जाएं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब हमें पता है कि नॉट ओनली आना चाहिए दे के बाद में, लेकिन दे के बाद तो लिख नहीं पाओगे क्योंकि स्लैश यहाँ पे यूज़ हो गया। ठीक है, अब किसी के दिमाग में अगर ये आए कि लाओ दे जैसे यहाँ पे टेल के साथ लिखा वैसे लाओ हम चीट के साथ भी लिख दें बट ऑल्सो दे। ठीक है, तो ऐसे भी मत लिखना क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन है, उसको दो बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेफरेंस रहेगा वर्ब का ही। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये बचता है कि नॉट ओनली अगर वर्ब को स्ट्रेस कर रहा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। ठीक है, अगर नॉट ओनली को हम नाउन प्रोनाउन को स्ट्रेस करने के लिए यूज़ करें तो हम इसे डिटर्मिनर कहेंगे। अगर ये वर्ब के लिए यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब है क्योंकि नॉट के साथ लिखा हुआ है, तो अगर ये नॉट ओनली एडवर्ब है और हमने सेंटेंस के शुरू में स्ट्रेस करने के लिए लिख दिया तो इसका मतलब हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म लिख के भी सही कर सकते हैं। तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो डू। तो हम इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं नॉट ओनली डू दे टेल लाइज बट ऑल्सो चीट अदर्स। तो जो नेगेटिव हमारे एडवर्ब्स होते हैं जिनको हम नेगेशन के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम इनको कभी स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस के शुरुआत में लिख दें तो भी इन्वर्टेड फॉर्म्स का यूज़ किया करो। एक फिफ्थ क्वेश्चन समझना। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने लिखा अंडर नो सिचुएशन I shall help him. ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, ऑन नो कंडीशन आई शेल हेल्प हिम, इन नो कंडीशन आई शेल हेल्प हिम, ऐसे लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो अंडर है और नो सिचुएशन है, ठीक है, तो ये वेयर का रिप्लाई तो है नहीं। ठीक है, वेयर का रिप्लाई नहीं है, वेन का रिप्लाई है। ठीक, लेकिन ये नेगेटिव है, नो लिखा हो तो नेगेटिव हो गया, तो ये हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई नेगेटिव। अब नेगेटिव एडवर्ब फ्रेज यूज करो या नेगेटिव एडवर्ब यूज करो, लिखनी इन्वर्टेड फॉर्म ही पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे अंडर नो सिचुएशन शैल आई हेल्प हिम। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ती है, वो चाहे ऐसे लिखे हो या वो ऐसे लिखे हो। ठीक, होता क्या है कि हमें देखने में लगता है कि ये सिंगल वर्ड है एडवर्ब, लेकिन एक्चुअल में ये भी फ्रेज का ही सब्सिट्यूट होता है। जैसे हमने नेवर लिखा तो नेवर का मतलब होता है एट नो पॉइंट इन टाइम, एट नो पॉइंट। ठीक है, तो ये भी देखो एडवर्ब फ्रेज ही हो गई। अब चाहे एट नो पॉइंट लिख दो चाहे नेवर लिख दो, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब वर्ड है, ये एडवर्ब फ्रेज है, और दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इनके साथ हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो जैसे हमने लिख दिया अंडर नो सिचुएशन, ठीक है, इसी को चाहे तो हम नेवर से रिप्लेस कर दें, नेवर शैल आई हेल्प हिम। तो जैसे हम नेवर के साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख रहे थे उसी तरीके से हम इनके साथ भी इन्वर्टेड फॉर्म लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है अगर हम उनको सब्स्टिट्यूट करें किसी फ्रेज से जो कि एडवर्ब हो और नेगेटिव हो, ठीक है, तो भी हमें उसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया।
अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो एक छोटी सी बात और ध्यान देना, ये जो नॉट ओनली हमने लिखा है ना, ये वर्ब के लिए यूज हो रहा था तो ये एडवर्ब था, इसका नेगेटिव फॉर्म आ गई। अगर ये नॉट ओनली वर्ब के लिए ना यूज हो रहा होता, इन केस अगर हम ऐसे लिखते सेंटेंस, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो यू हैव बीन इन्वाइटेड, अब जैसे हमने ये जो सेंटेंस लिखा है नॉट ओनली दे बट ऑल्सो यू हैव बीन इन्वाइटेड, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है ना, इनके थ्रू हम दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट है यू, एक सब्जेक्ट है दे। तो अभी जो नॉट ओनली है ना, ये हमारा एडवर्ब नहीं है, अब हम इसे कहेंगे डिटर्मिनर, जो दे को डिटर्मिन कर रहा है, और बट कंजंक्शन होता है, वो उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो जो नॉट ओनली है, ये नॉट ओनली इस सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है, वर्ब को नहीं, क्योंकि ये वर्ब को स्ट्रेस नहीं कर रहा तो एडवर्ब नहीं है, तो एडवर्ब नहीं है तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म के साथ मत लिखना। ये जो नॉट ओनली हमने लिखा है, ये वर्ब के लिए यूज हो रहा है तो ये एडवर्ब है, तो इसके साथ हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये नॉट ओनली जो है ये वर्ब के लिए यूज हो रहा है, ये नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो ये डिटर्मिनर है। तो ओनली जो वर्ड होता है वो किसी के साथ भी यूज हो सकता है, तो हमें ये समझना है अगर ये वर्ब के लिए यूज हो रहा है और हमने इसका नॉट लिखा है तो ये नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लिखना, अगर ऐसा ना हो तो ये सही हो जाएगा। सी सम मोर क्वेश्चंस। एक सेवंथ क्वेश्चन हमने लिखा, ये शायद कभी किसी अच्छे क्वेश्चन पेपर में आया क्वेश्चन, नॉट अ वर्ड ही स्पोक टू एनीवन। नॉट अ वर्ड ही स्पोक टू एनीवन। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, नॉट का मीनिंग क्या होता है सबको ही पता है, ए का मतलब क्या होता है समझ लेना, हमने आर्टिकल की क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि जो ए होता है एनी की वीकर फॉर्म होता है, ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर हम नॉट एनी लिखें तो उसका मतलब नो हो जाता है, डन, नॉट एनी इक्वल्स नो, तो अगर हम नॉट ए लिख रहे हैं तो उसका भी मतलब नो हो जाएगा, तो नॉट एनी और नॉट ए इसका मतलब होता है नो, इस तरीके से। तो जो नॉट अ वर्ड हमने लिखा है ना, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है नो वर्ड, ठीक है, नो होता है डिटर्मिनर, वर्ड होता है नाउन, अगर हम नो वर्ड लिख देंगे तो हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इन्वर्टेड फॉर्म एडवर्ब के साथ लिखी जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो निगेशन एडवर्ब के साथ शो करती है, ठीक है। तो नॉट अ वर्ड जो है ये अलग वर्ड है, ठीक है, नो वर्ड अलग वर्ड है, अगर हम नो वर्ड लिख देंगे तो वो नाउन होगा, लेकिन जब नॉट एडवर्ब लिख रहे हैं तो इसमें देखो ये नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया, ए डिटर्मिनर हो गया, जिसका मतलब एनी है, नॉट उसी को निगेट कर रहा है और वो एनी जो है वो वर्ड के लिए हो रहा है। अब हमें पता है जो वर्ड हमने लिखा है नाउन, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ही, स्पोक है मेन वर्ब, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए या तो हम इन्वर्टेड फॉर्म लिखें, हम ऐसे लिखें ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड टू एनी वन, तो ये सेंटेंस सही हो, हालांकि चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही स्पोक नो वर्ड टू एनी वन, ही स्पोक नो वर्ड टू एनी वन, तो भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हमारी असर्टिव फॉर्म्स हैं, ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड एंड ही स्पोक नो वर्ड, ये दोनों असर्टिव फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नो वर्ड है ना, ये एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस के शुरू में लिखा, अच्छा स्ट्रेस करने के लिए हमने उसके बाद में नॉट भी लिख दिया, ठीक है। नॉट जो होता है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, अगर हम ये एडवर्ब शुरू में लिख रहे हैं निगेट करने के लिए, जो कि बाद में यूज होना चाहिए था, ठीक है, तो इसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख के सही कर सकते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, डिड लिखोगे ही के साथ में तो वर्ब बेस फॉर्म में आएगी, तो ये हो जाएगा नॉट अ वर्ड डिड ही स्पीक टू एनीवन। तो या तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव फॉर्म में चेंज करके ऐसे लिखें ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड टू एनीवन, या हम लिखें ही डिड नॉट स्पीक ही स्पोक नो वर्ड टू एनीवन, या फिर हम इसको ऐसे सही करें, हम इसको लिखें नॉट अ वर्ड डिड ही स्पीक टू एनीवन, तो भी ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिला के कोई भी जैसा नेगेटिव एडवर्ब अगर हम सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे उसको स्ट्रेस करने के लिए, तो हमें उसके साथ में वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। वो वर्ड कोई भी हो सकता है, वो वर्ड कोई भी हो सकता है, मतलब ये है कि वो हार्डली भी हो सकता है, बेयरली भी हो सकता है, स्कैसली भी हो सकता है, रेयरली भी हो सकता है, ठीक है। कोई नेगेटिव एडवर्ब फ्रेज हो सकती है, इन नो कंडीशन, इन नो सिचुएशन, ऑन नो कंडीशन, ऐसे, ठीक है। और ये भी हो सकता है नॉट अ वर्ड, नॉट ओनली भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका अपना ध्यान रखना है। इसके बाद में भी हम ये
इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं उन स्ट्रक्चर्स के साथ में जो नेगेटिव तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, सो फास्ट ही रैन दैट आई कुडंट कैच हिम, ठीक है। अभी जो हमने लिखा है सो फास्ट ही रैन दैट आई कुडंट कैच हिम, तो भले ही सेंटेंस में जो हमने सो फास्ट लिखा है ये नेगेटिव एडवर्ब ना हो, लेकिन एक जो ओवरऑल मीनिंग है सेंटेंस का वो नेगेटिव ही है, ठीक है। दूसरा, ये जो सो फास्ट होता है ना, हाउ का रिप्लाई होता है, एडवर्ब है। अब हमने पढ़ा है कि जो हाउ के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं और उनकी पोजीशन वर्ब के बाद होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस टाइम वर्ब के बाद आते हैं। तो इस सेंटेंस को या तो हम असर्टिव फॉर्म में लिख के ऐसे सही कर दें, ही रैन सो फास्ट दैट आई कुड नॉट कैच हिम, या तो हम इसको ऐसे लिखें ही रैन सो फास्ट दैट आई कुडंट कैच हिम, ठीक है, तो सही होगा, ये हमारी वर्ब हो गई, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया हाउ का रिप्लाई। अगर हम चाहते हैं कि यहीं पे लिखा रहे तो फिर हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, डिड ही रन, सो फास्ट डिड ही रन दैट आई कुडंट कैच हिम। तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं अगर हम इनको स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस के शुरुआत में लिखें इनकी यूजुअल पोजीशन से इन्हें रिमूव करके, तो इनके साथ में वर्ब भी इन्वर्टेड फॉर्म लिखकर यूज किया करो। इन्वर्टेड फॉर्म में हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। अगर वो एडवर्ब प्लेस हो तो फिर वो हमारा वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन यूज करना पड़ता है। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। देखो, एक दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा ऑनली ऑनली इफ ही agrees to help us we can do this job, we can finish this job, ab dekho ये सेंटेंस हमने लिखा इफ ही एग्रीज टू हेल्प अस वी कैन फिनिश दिस जॉब, कि अगर वो एग्री हो जाए हमारी मदद करने के लिए तो हम मतलब इस काम को फिनिश कर सकते हैं, ऐसे लिख दिया। लेकिन हमने इसके बाद में ऑनली लिख दिया, ऑनली लिखकर मतलब हम इस कंडीशन को स्ट्रेस करना चाहते हैं इफ ही एग्रीज टू हेल्प अस। तो इफ ही एग्रीज टू हेल्प अस जो हमने लिखा ये कंडीशन है, ऑनली लिखकर हम इस कंडीशन को स्ट्रेस कर रहे हैं कि अगर वो मतलब हमारी मदद करने के लिए एग्री कर जाए तो अगर इसको स्ट्रेस कर रहे हो तो इसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब हमें सोचना है कि इन्वर्टेड फॉर्म हम इसे लिखें या इन्वर्टेड फॉर्म में इसे लिखें, ठीक है। वो हमारी मेन क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इफ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। तो ये तो पूरी एक ही क्लॉज हो गई, इफ ही एग्रीज टू हेल्प अस और इसके साथ ऑनली हमने लिख दिया, तो ये पूरी क्लॉज अब स्ट्रेस करेगी किसको, उसको। ये जो ऑनली है इसको अलग नहीं समझना है, ऑनली इफ ही अग्रीज टू हेल्प अस पूरी एक ही क्लॉज है, एक कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने स्ट्रेस करने के लिए शुरू में लिखा है ऑनली के साथ। अगर हम ऑनली ना लिखें तो ये सही है, अगर हम ऑनली के साथ लिख रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इन्वर्टेड फॉर्म में जो कैन हेल्पिंग वर्ब है ना ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ऑनली इफ ही अग्रीज टू हेल्प अस कैन वी फिनिश दिस जॉब। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर हम स्ट्रेस करने के लिए एडवर्ब्स का यूज करें, ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं ओनली को जैसे होता है कि हम इसको अगर किसी क्लॉज के साथ में स्ट्रेस करने के लिए यूज करें तो जो मेन क्लॉज होगी वो इन्वर्टेड फॉर्म में आएगी, वो मेन क्लॉज है तो हमें उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं, ओनली आफ्टर द मैच वॉज ओवर दे रियलाइज्ड That fact. अब जैसे हमने ये लिखा आफ्टर द मैच वॉज ओवर दे रियलाइज दैट फैक्ट, कि मैच खत्म हो गया उसके बाद उनको वो बात याद आई, ठीक है। लेकिन अगर हम ओनली लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर स्ट्रेसिंग दिस वर्ड ओनली आफ्टर द मैच वॉज ओवर। अब देखो आफ्टर द मैच वॉज ओवर ये भी एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, इफ के साथ लिखी गई ये भी एडवर्ब क्लॉज थी, ये थी कंडीशन को रेफर करने वाली एडवर्ब क्लॉज, ये है टाइम को रेफर करने वाली एडवर्ब क्लॉज। आफ्टर कंजंक्शन के साथ में जो हम क्लॉज लिखते हैं वो टाइम को रेफर करती है।
अब हम उस टाइम को स्ट्रेस कर रहे हैं ऑनली के साथ लिखकर, तो ऑनली लिखकर हम इस टाइम को स्ट्रेस कर रहे हैं, और ये पूरी क्लॉज हमने स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस के शुरू में लिख दिया, तो अब हमें वहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इन्वर्टेड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रियलाइज्ड, हेल्पिंग और डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले करना पड़ेगा। जब डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख दोगे तो फिर बाद में बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी, डू डट डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ क्या करो। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ओनली आफ्टर द मैच वॉज ओवर डिड दे रियलाइज दैट फैक्ट। तो अगर हम ओनली आफ्टर लिख दें, ओनली इफ लिख दें, या कोई दूसरा लिख दें, ओनली वेन लिख दें, only when I promised to help him he stopped weeping। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, only when I promised to help him he stopped weeping, ठीक है, तो ओनली वैन आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम ही स्टॉप्ड वीपिंग लिख दिया। तो अगर हम देखें तो ये सेंटेंस ऐसे है, वैन आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम ही स्टॉप्ड वीपिंग, जब मैंने प्रॉमिस किया हेल्प करने के लिए तो उसने रोना बंद कर दिया। तो ये सिंपल मीनिंग है, लेकिन अगर हम ओनली लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम इस टाइम को स्ट्रेस करना चाहते हैं कि वो उस टाइम उसने अपना रोना बंद किया जब हमने उसको प्रॉमिस ही कर दिया। तो ये जो वैन के साथ लिखे की क्लॉज है ना, ये भी टाइम की क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओनली लिख के हम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं। अगर ओनली लिख कर इसे स्ट्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी मेन क्लॉज में। इन्वर्टेड फॉर्म में लिखोगे तो डिड स्टॉप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ यूजर्स हमने डिस्कस किए हैं इन्वर्टेड फॉर्म के, और यहाँ पे हमने देखा है कि इन पे बेस्ट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इन वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद में आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी भेज दिए जाएंगे, उनके थ्रू आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। और उसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।